बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। शाह जंजानी की वेब टीवी की जानब से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। प्रोग्राम आज के सितारे, ये सितारे ये कहाँ के फलक राबर राजानी। आज यकम अगस्त और मंगल का दिन है, पाकिस्तान की सालगिरह का भी महीना। और मंगल का दिन जब भी बतलें जिस पाकिस्तान में शुरू होता है, मेरे कारीन भी आइना कृष्ण जंजानी एजेंसी के बारे में एजेंसी के जानते हैं और नाजरीन भी अब इससे वाकफ हैं। बल्कि पिछले दिनों हमारी CPNE की एक दावत थी लाहौर में, तो बहुत सारे साफ़ी वहाँ पे जमा थे और मंगल के हवाले से मुझे एक तरह का एक मेरे इलम में बात आई कि बहुत सारे और एक ज़माना जानता है कि मंगल को, जो मैं से अपील करता आ रहा हूँ कि मंगल को पाकिस्तान के तमाम जबाखाने खोल लिए जाएँ, खून बेहतर है, ये पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम का सदका है। तो आज चूँकि मंगल है, आज फिर मैं वतन अजीज पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनसे अपील करूँगा कि क्या ही अच्छा हो कि अल्लाह को कुर्बानी पसंद है और पाकिस्तान में मंगल को तमाम जबाने खोल लीजिए, खून बेहतर है, ये पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम का सदका है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज जो नन्हे मुने बच्चे पैदा होंगे, वालदन उनका किन अल्फ़ाबेट से नाम रखें। चांद आज हमें मंजिले बल्दा में मिला, जिसे उदरा छाता नक्षत्र का नाम देते हैं। ये वक्त रहेगा आज दोपहर 3:31 तक, तो तब तक जो बच्चे पैदा होंगे इनके नाम अरफे शीन से रख लें, 22 से बरकत हैं। और उसके बाद चांद मंजिल बलक में आ जाएगा, जिसे शरावन नक्षत्र कहते हैं। इसके जो अल्फ़ाबेट से मरफे सी है, सी से अच्छे नाम रखे जा सकते हैं। मुरजबीन का मानना है कि चांद जिस बुर्ज में हो तो उससे भी नाम रखने भाई से बरकत है। चांद आज हमें बुर्ज जदी में मिला, ये 12 मंजिल बुरुज का 10वां बुर्ज है, ये एडमन बुर्ज कहलाता है। और इससे जो मनसूब लफ्ज़ हैं वो जीम खे और काफ हैं, इनसे भी नाम रखने भाई से बरकत हैं। और आज हम देखते हैं कि किन जॉडिक साइन के लिए अच्छा दिन है। तो आज हमें बुर्ज अमर, बुर्ज सुल्तान, बुर्ज मैदान और जदी वालों के लिए एक बेहतर दिन मालूम हुआ। और जो मजीद बेहतरी है बुर्ज सौर, बुर्ज असद, बुर्ज अकरब और दल वालों के लिए है। और एहतियात के लिए मैं हदिया करूँगा कि बुर्ज कौस, बुर्ज शुमला और उसके बाद बुर्ज बुर्ज जौजा और बुर्ज हूद वालों के लिए आज का दर एक एहतियात भरा दिन है। अब मजीद हम देखते हैं कि आज आसमानी काउंसिल पे सितारों ने क्या नजरात बना रखी है। जंजानी जंतरी हमारे सामने सफ़र नंबर 153। आज यकम अगस्त है, कमर और जनाब नेपचून की तस्दीस है, कमर और प्लूटो का किरान है, कमर और शम्स का जनाब आज मुकाबला है। ये फुल मून जब आपस में होते हैं तो एक दूसरे को, तो आज चाँद की 14 फुल मून को ये कहा जाता है मुकाबला होता है। तो मजमूनी तौर पे आज एक बेचर और भली नजर आते हैं, जो मुकाबला रात को जाके कोई 22:23 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम होगा। तो मजमूनी तौर पे आज एक बेचर और भला दिन मालूम होता है। आपकी ज़िंदगी के जितने भी अहम काम हैं, पेंडिंग काम हैं, उन्हें निपटाने के लिए आप तवज्जो दें तो इसमें अल्लाह पाक आसानी अदा करेगा। बुज़ुर्गों से दुआएँ लें और सदका जो है उसे जानने के लिए अभी मैं बाद में अर्ज़ करता हूँ कि उसके लिए आप मेरी क्या खिदमात फैज़याब हो सकते हैं। खिदमात से हम बढ़ते हैं कि आज के मकसूमी नंबर क्या हैं और लकी नंबर क्या हैं। आज का मकसूमी नंबर है 7 और लकी नंबर जो निकालें आपके लिए 5, 9, 3 लकी नंबर हैं। इन नंबर को ऑर्डर पर करके लॉटरी प्राइज बॉन्ड में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का इसमें आज़म, आज का सदका, आज के कबूलियत दुआ के वक्त जानने के लिए अभी जंजानी टीवी को सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। और आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि हमारे इदारे की जो बुक है इनाम लकी नंबर आइना कस्मत 2023, ये मार्केट में भी दस्तियाब है, इसकी PDF फाइल भी दस्तियाब है, ये जम है अलबरूरी तकवीम में, आप इसकी PDF फाइल मंगवा सकते हैं। मुनज्जम जंजानी बिरादरान की फराख्त पेशकश से आप जंजानी जंतरी 2023, 12वीं जंतरी 2023, अलबरूनी तकवीम 2023 और ताज़ा शुमारा आइना कस्मत का अगस्त का पाकिस्तान की सालगिरह है, इसकी भी PDF फाइल आप दुनिया में कहीं भी हो स्मार्टफोन पे मंगवा के इससे फैसला हो सकते हैं। और आज का इसमें आज़म, आज के सदका, आज के पूरे वक्त जानने के लिए अभी जंजानी टीवी को सब्सक्राइब करें, वहाँ भी आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतने शाह जंजानी को इजाज़त दीजिएगा, बचरते ज़िंदगी कालक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।